हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सीए फाउंडेशन से रिलेटेड बातें करने के लिए आया हूं। इससे पहली वाली वीडियो में आपने अविनाश को सुना होगा, या अभी तक नहीं सुना तो अविनाश की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। उसने अकाउंट्स को कैसे 10 दिन में हैंडल करना है, समझना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, समझाया है और बताया है एग्ज़ाम डे के लिए भी कैसे अपने को चलना है विथ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो उसको लगता है इस बार एग्जाम हॉल में आएंगे। क्योंकि हम लोग इतने साल से इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं और इतना टर्म हो गया हम लोग को पढ़ाते हुए, तो वी हैव अ बेसिक आइडिया कि मोटा मोटी इंस्टीट्यूट किस पैटर्न में या किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है और कैसी टाइप के सवाल आएंगे। तो मैं आपके लिए, जैसे आप जानते हैं कि मैं मैथ स्टैट्स एलआर पढ़ाता हूं, तो मैथ स्टैट्स एलआर के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं कि ये 10 दिन जो बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए उसको कैसे यूटिलाइज़ करें। यानी आज है 1 तारीख, तो 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक अपने कैसे इस चीज़ को यूटिलाइज़ करें मैथ्स को लेके, और दूसरा एग्ज़ाम से 2 दिन पहले कैसे पढ़े और एग्ज़ाम वाले दिन कैसे वर्क करें। प्लीज़ इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि ये चीज़ कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नंबर वन, मैथ्स से अपने लोग डर भी रहे थे, बट अब मेरे ख्याल से अपने जितने पढ़े हैं बच्चे लोग उनको तो इतना डर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वी हैव डन अ रिगरस वे प्रैक्टिस सब चीज़ का। अब अपने लोग को इतना दिक्कत नहीं आना चाहिए। फिर भी आपको अगर एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पता करना है तो मैं उसके लिए आपके लिए लेके आ रहा हूँ ये कैसे पढ़ाई करना चाहिए। अगर आपको अभी भी कोई टॉपिक में दिक्कत है आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको क्लासेस भी करा दूंगा। प्लस अगर आपको लगता है उसका रिवीजन चाहिए तो रिवीजन ऑलरेडी डाला हुआ है कई चैप्टर का। देखो, कई चैप्टर का बन नहीं सकता क्योंकि दैट इज़ वेरी बिग, बट फिर भी मैंने रिवीजन नोट्स दिया है, तो आप पढ़ के फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ट्राई करने का, और आगे से आप अपने लोग कैसे बढ़े वो मैं बताऊंगा। तो आज हो गया है 1 तारीख, जैसा कि आप जानते हैं। तो 1 तारीख को मैं आपको बोलूंगा, सबसे पहले आप कर दीजिए डरना बंद और सोचना चालू कीजिए कि भैया आज 1 तारीख को अगर मैं पढ़ाई चालू करूं या रिवीजन चालू करूं तो कैसे करना चाहिए। 1 तारीख अब आप लोग को डेली 8 से 9 घंटा पढ़ना चाहिए। भैया सब लोग तो बोलते हैं 12-13 घंटा का पढ़ाई करो। देखो, उतना ज़्यादा करके कोई मतलब नहीं, आप इफेक्टिव पढ़ नहीं पाएंगे। फाउंडेशन लेवल पे अभी आप हैं तो इतना प्रेशर मत लीजिए। नो डाउट आप अगर ऐसा सोचते हैं कि भैया बहुत अच्छा नंबर लाना है तो भी 8-9 घंटा, भैया हमें पास होना है तो भी 8-9 घंटा, इसमें कोई दोराय ही नहीं है कि अपने ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा नंबर आएगा। ना, वी नीड टू हैव अ इफेक्टिव स्टडी। तो इफेक्टिव स्टडी के लिए आपको 8 से 9 घंटा बहुत इनफ होता है, क्योंकि उसके बाद आपका माथा में जाएगा नहीं। भैया 8 से 9 घंटा में कैसे ब्रेकअप किया जाए, मैं आपको बोलूंगा आपको आराम से आराम 2.5 घंटा तो अकाउंट्स करने हैं, 1.5 घंटा लॉ पढ़ना है और 1 घंटा इको या बीसी के पढ़ना है। यानी कि 5 दिन इको पढ़ लिया, 5 दिन बीसी के पढ़ लिया, तो मोटा मोटी आपका यहाँ पे 2.5 और 1.5 4 घंटा और 1 घंटा हो गया 5 घंटा। अब जो बचा हुआ टाइम है पूरा का पूरा मैथ्स को देना है, वो हुआ 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा मैथ्स को देने का रीज़न ये है कि इसमें अपने को जितना हो सके कवर करने का कोशिश करना है डिफरेंट सम्स। भैया सम्स कहाँ से कवर किया जाए, अगर मेरा राय मानो तो अब अपना मैट छूना कर दो बंद। यानी जिस मैट से आप पढ़े, चाहे मेरी मैट या कोई भी टीचर की मैट से, अब आप वो मैट नहीं छुएंगे, क्योंकि उसका आप रिग्रस प्रैक्टिस कर चुके होंगे अब तक। तो अगर वो भी नहीं किए तो बात ही अलग है, आप एग्जाम हॉल में कैसे बैठने वाले हैं मुझे नहीं मालूम। अब मैट को छूना नहीं है, अब अपने करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्कैनर से रिविजन और मॉक टेस्ट पेपर से रिवीजन। भैया स्कैनर हम लोग बना चुके हैं, तो स्कैनर भी बना चुके हो तो रैंडमली आप रीसेंट 3 टर्म के और एक बार बना लीजिए, क्योंकि रीसेंट ट्रेंड्स में ही फॉलो किए जाएंगे, और तो और रीसेंट 3 टर्म से ही नया सिलेबस लागू हुआ है। बचा जो MTP है, MTP आपके पास 2 टर्म का होगा जो इस बार आया है। इससे पहले वाले 2 टर्म के पेपर भी आपको मैंने प्रोवाइड किए थे, बट अगर आपके पास अभी भी नहीं है आप अपने ठीक इमीडिएट सीनियर से मांग सकते हैं कि भाई तुम्हारा डाउनलोडेड है तो व्हाट्सएप से मेरे को भेज दे।
और उससे पहले वाला भी एमटीपी किसी के पास है तो ले लेंगे। यानी आपको 6 एमटीपी बनाने हैं, जो हो सकता है आपके पास अभी सिर्फ 2 अवेलेबल हो। तो भैया ये 4 बाकी के कहाँ से लाए, ये आपको पक्का से पक्का रिसोर्स ढूंढना है। अगर आपको नहीं मिले आप मेरे को एक बार बोलिएगा, मैं हर स्टूडेंट को बोल के आपको दिलवाऊंगा। बट ये तो बनाना बहुत ज़रूरी है, बट पहले आप ट्राई करेंगे, आप मेरे ऊपर बर्डन नहीं डालेंगे। मैं अगर मिलता है तो मैं आपको डायरेक्टली उस स्टूडेंट से कनेक्ट करवा दूंगा, ताकि आप अपने सीनियर से भी बात कर सकें। ये 4 एमटीपी के क्वेश्चंस भी करने हैं। 2 एमटीपी और 4 एमटीपी के आंसर्स में और क्वेश्चंस में कई दिक्कत भी है, क्योंकि वो गलत भी है और कई के आंसर्स भी गलत है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप अपना जितना किए आप अपने उस हिसाब से आप खुद समझ जाएंगे गलती है, उसमें आप प्रेशर मत लीजिएगा। स्कैनर का आपको अब लास्ट मोमेंट पे, जैसे मैंने आपको कहा 4 से 5 टर्म तो करके जाना है, 3 तो मिनिमम, 4 से 5 टर्म कर लेंगे तो बहुत बढ़िया। भैया क्या कुछ रिवीजन करना है, रिवीजन के लिए मैंने आपको नोट्स दिया है, वो पढ़िए। या तो आपको लगता है कि नहीं भैया पूरा इन डेप्थ 1-2 चैप्टर करना है तो वो कर लीजिए। उसके बाद अपने लोग अगर जाए कि भैया इसके अलावा क्या करें, इसके अलावा मैंने एक किताब आपको रेफर किया था पादुका बोल के, आप चाहे तो उसका 2-3 चैप्टर का गिना चुना सवाल अपने दोस्त से ले सकते हैं, जो लोग पूरा सॉल्व किए हैं, कि भाई ये बता दें हम इसका कितना सवाल करें, या इंपॉर्टेंट सवाल। भैया फिर भी अगर मेरे को बनाना हो, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर चुका हूं, तो आप इसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी जरूर बनाइएगा। आप इसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर बना लेंगे तो आपको एक 16 नंबर में 16 नंबर आने का पूरा चांस रहेगा। हाँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी 16 नंबर का आएगा और 16 में 16 आने का चांस रहेगा, आपको दिक्कत ही नहीं होगा कोई। तो पादुका से टाइम वैल्यू ऑफ मनी बना लेना चाहिए। बाकी चैप्टर्स इतने करने की दरकार नहीं है, क्योंकि उसमें लेवल थोड़ा हाई है जो नहीं आता है। बट यस, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग अबव 90, यस देयर इज इजीली अचीवेबल स्कोर कि अपने 90 के ऊपर ला सकते हैं। तो भैया 90 के ऊपर लाना हो तो पादुका कवर कर लेना चाहिए, और अभी तक तो हो ही जाना चाहिए। कई स्टूडेंट्स लास्ट टाइम भी हमारे यहाँ से 90 लाए थे, जैसे आप जानते हैं ऋतिक खेतान 94, और तो और विदुषी बागड़ी 90, अभिषेक 90, और कई लोग 91 भी लेके आए थे, एक जन 92 भी लेके आए थे, आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ, बट जैसे कि है वैसे कई लोग ने 90 के ऊपर स्कोर किया था। और उनका एक ही बात था कि भैया आपने जितना प्रैक्टिस कराया उसके अलावा भी ये चीज करना पड़ता है। और मैं मुंह पे बोलता हूं, चाहे कोई टीचर बोले या नहीं बोले, अपना मैथ्स से सब करने से ऐसा नहीं है कि कवर हो जाता है, अपने को एडिशनल रिसोर्सेज सिस्टम्स बनाना पड़ता है, क्योंकि कवरेज क्लास में जितना होता है वो सबके हिसाब से होता है। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको बाहर से भी इस कवरेज करना होगा, सबके लिए सब चीज करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर वो क्लास नहीं, वो एक सेशन बन जाएगा जो कि शायद 1-1.5 साल चले। तो फिर अपने लोग इसको अलग से टच करना चाहिए। हाँ, अभी तक नहीं किए हैं तो पादुका का सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर लीजिए, इट विल बी मोर देन इनफ। एक गुरु मंत्र मैं आपको बोलूंगा जो मैं अप्लाई करता था, लास्ट का 10 डेज में अगर कोई डाउट्स आता है, हाँ भैया हमारे आते हैं, जैसे मैं देखता हूँ लोग मेरे को व्हाट्सएप करते हैं, पूछते हैं, मैं बताता भी हूँ, कहीं को मैं नहीं रिप्लाई कर पाता हूँ, क्योंकि हो सकता है उस समय मैं देखा नहीं हूँ या रास्ता में हूँ, तो मेरे को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता और इतना मैसेज आ जाता है कि ध्यान नहीं रहता है फिर। बट अगर आपका अब कोई डाउट आता है तो मेरा एक राय है, वो डाउट सिलेबस में ही नहीं है। मतलब अगर आपको कोई सम सब समझ में नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा है कि भैया अब ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, या ये टॉपिक मेरे को नहीं क्लियर हुआ, भूल जाइए ऐसा कुछ था, प्रेशर लेने से अच्छा आप उस टॉपिक में अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप बाकी का टॉपिक भी भूल जाएंगे। तो आप उसको भूल जाइए ऐसा कुछ था, अब 100 में अगर 5-6 क्वेश्चन नहीं बन रहा है या डाउट आ रहा है, इट इज़ नॉट बैड, यू हैव डन अ वेरी गुड प्रिपरेशन। आप वो 5-6 क्वेश्चन को भूल जाइए। बट यस, अगर वो 5-6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के आपको समझ में आ जा रहा है कि नहीं भैया क्या गलती था या हमें कैसे करना चाहिए, तो आप वो कर सकते हैं। बट अगर अब कोई डाउट आता है तो उसको नेग्लेक्ट करने का कोशिश कीजिए, सॉल्व करने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि That will create more trouble for you. अब last moment में 10 दिन में मैंने जैसे आपको कहा 3 से 4 घंटा पढ़ना है, तो भैया हमें पढ़ना क्या है 3 से 4 घंटा में? 3 से 4 घंटा में मैथ्स में आपको कवर करना चाहिए कुछ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। सबसे पहले इंडेसिस में आपको मैं बोलूंगा वो जो 3 इक्वल वाले सम्स होते हैं वो जरूर से करके जाइएगा, कि a टू द पावर समथिंग, b टू द पावर समथिंग, c टू द पावर समथिंग इज इक्वल, तो आपको एक इक्वेशन देगा, यानी वो इक्वल्स टू k वाला सवाल आपको करके जाना है।
यानी इंडिसेस में मैं आपको एक राय दूं तो एक ये टाइप का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी स्कैनर्स में कई इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लॉगरिदम, अगेन लॉगरिदम में भी एकदम इजी सवाल बनता है, तो लॉगरिदम से इतना टेंशन लेना नहीं है, लॉगरिदम में भी वैसे ही टाइप के सवाल आते हैं इक्वल्स टू वाले इंडिसेस जैसे। रेशियो एंड प्रपोर्शन से आपको एक पर्टिकुलर सवाल है जिसमें बोला था कि राइस एक क्वालिटी का और दूसरे क्वालिटी का, या टी एक क्वालिटी या दूसरे क्वालिटी का मिक्स हो रहा है तो प्रपोर्शन बताइए, तो वो वाली सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो प्रपोर्शन में। और प्रपोर्शन का एडेंडो प्रॉपर्टी का सवाल इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण ये MTP में भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट अपने लोग इक्वेशन एंड मैट्रिसेस में अगर आए तो इक्वेशन चैप्टर में अपने लोग का, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हट गया है तो अब पूरा का पूरा फोकस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ चला जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़्यादा सवाल आने का चांस है। उसमें अपने अल्फा और बीटा का सवाल देखेंगे, उसी में अपने डिफरेंट इक्वेशंस बनाने का सवाल देखेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। भैया बेसिक नेचर ऑफ द रूट ध्यान रखना, वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि डिफाइन द नेचर ऑफ द रूट, आपको इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इसका नेचर बताओ, या आपको बोल देगा कि ये अगर इसका नेचर ऐसा है तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। तो इक्वेशन से ये मैट्रिसेस से डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन आना ही आना है कि डिटरमिनेंट बताओ, और वो भी 2x2 मॉडल का, आपको टेंशन नहीं लेना, और एक मल्टीप्लिकेटिव ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन आएगा और थ्योरी क्वेश्चन आएंगे जैसे कि सिंगुलर मैट्रिसेस किसको बोलते हैं, ये सब हलना फलाना। तो बेसिकली अपने मैट्रिसेस और इक्वेशन से ये टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। भैया नेक्स्ट चैप्टर जैसे मैंने पढ़ाया था आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस बार। भैया इस चैप्टर से क्या करना चाहिए, इस चैप्टर से आपको रिवीजन जैसे कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी चैप्टर, जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि आपको कोई फॉर्मूलाज याद रखने नहीं है, बट अगर टाइप ऑफ सम्स जानो तो रिपीटेशन का सवाल जरूर कीजिएगा। रिपीटेशन का सवाल मतलब जहाँ डिजिट्स रिपीट होते हैं, अरेंजमेंट में जहाँ वोवेल्स आर टुगेदर और नॉट टुगेदर वाले सवाल कीजिएगा, अरेंजमेंट ऑफ पीपल में ऑल्टरनेटिव जैसे लोग बैठते हैं उसमें कीजिएगा, सर्कुलर परम्यूटेशन जरूर से देख के जाइएगा कि सम पीपल आर सिटिंग इन अ वे और उसके बाद गर्ल्स आर नॉट सिटिंग टुगेदर वैसे करके। और भैया परम्यूटेशन में कोई इंपॉर्टेंट, परम्यूटेशन में एक टाइप का सवाल बनता है जहाँ पे आपको लैंग्वेज से NP2 यूज करके N निकालना होता है, वो ट्रायल एंड एरर से हो जाता है, वो वाला सवाल ज़रूर से प्रैक्टिस करके जाइएगा। एक टाइप का सवाल बनता है जहाँ पे 2^n-1 वाला कि डिफरेंट केसेस में कैसे अपने लोग फाइंड करें, तो वो जरूर कीजिएगा। और डिजिट्स में आप बिना रिपीटेशन वाले सवाल देख सकते हैं जहाँ एकदम सिंपल इवन नंबर्स ग्रेटर देन ये वाला सवाल आ सकता है। कॉम्बिनेशन में आप उसका प्रॉपर्टी का सवाल जरूर से देख के जाएंगे, जो दो प्रॉपर्टी था कि NCR इज इक्वल टू NCn-r और NCR प्लस NCr-1 इज इक्वल टू N+1 Cr, तो ये दो प्रॉपर्टी वाला सवाल जरूर से करके जाइएगा, कॉम्बिनेशन से प्रॉपर्टी के सवाल पक्का पूछे जाएंगे। ये था अपना कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन लेके बात। भैया कुछ टफ सम्स आने का चांस, कॉम्बिनेशन प्लस परम्यूटेशन का एक दो सवाल है जो मैंने लास्ट एक्सरसाइज में करवाया था, उसका गिना चुना एक दो सवाल कर लीजिएगा। भैया अब बताइए नेक्स्ट चैप्टर है अपने लोग का APGP, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये तो काफ़ी ईजी चैप्टर है, ट्रायल एंड एरर से सारे सम्स हो जाएंगे, बट अगर मेरे से पूछो कि इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, तो AP में जो स्पेसिफिक सम ऑफ द सीरीज थे जैसे कि स्क्वायर, क्यूब्स और सिंगल नेचुरल नंबर्स के एडिशंस, ये सब आपको ज़रूर से करके जाने हैं। AP और GP का मिला के जो सवाल आता है वो तो पक्का से करके जाना है, जहाँ बोलेगा 3 टर्म आ रही नहीं AP, फिर बोलेगा कुछ ऐड हुआ तो GP में बन गया, तो बताओ वो 3 टर्म क्या थे। सम के सवाल ज़रूर से आने हैं, यानी कि SN वाले सवाल पक्का से का पूछे जाते हैं, तो वो तो आपको दोनों का याद रखना है और दोनों का सम सॉल्व करके जाना है। और तो और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई सवाल आपको ट्रिकी लगा हो तो वो AP का ट्रायल एंड एरर से तुरंत हो जाता है, जैसे मैंने आपको सिखाया था अगर XYZ है तो 1-2-4 ले लो, GP में है तो, AP में है तो 1-2-3 लेके, जैसे मैंने आपको कई सम्स क्लास में करवाया था वो सब टाइप जरूर देख के जाइएगा। दिस वॉज अ थीम अबाउट AP एंड GP। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं जो कि था अपना, क्या भैया बताइए, आपको इतना देर स्क्रीन में दिख नहीं रहा होगा हम क्या किया है, तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि मैंने वीडियो को ध्यान से चेंज नहीं किया, आपको सिर्फ बोला था, तो ये सब मैंने बोलते बोलते लिखा था, आपको इतना बात ध्यान हो गया होगा, अभी तक आप लिख गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट आपको क्या करना है। नेक्स्ट मैंने आपको बता रहा हूँ जो आपको करना है वो है
टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इस चैप्टर को तो इतने अच्छे से करना है कि क्या बताऊँ, 6 क्लास है मेरी। अगर आपको अभी भी लगता है लास्ट मोमेंट पे आपके फ्रेंड्स को या आपको कि भैया ये चीज़ मेरा अभी तक नहीं हुआ है, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ। मैं ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये से जितने दिन तक एग्ज़ाम ऑन है आपके लिए इसको अवेलेबल करवा रहा हूँ एट अ लो कॉस्ट ऑफ 499। यानी भैया आप खाली टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कि पक्का से पक्का 16 नंबर का आएगा, अगर इसमें कोई दिक्कत है या फिर आपको ट्रिक्स एंड सब चीज़ सीखना है तो मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्पेसिफिकली 40 में जो 16 नंबर का है मैथ्स का, वो मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ 499 में आपके लिए। और अगर अगर आप नवीन क्लासेस के सॉरी ये अमित बछाव सर के स्टूडेंट रह चुके हैं यानी हम मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपको ये टॉपिक पे दिक्कत होना नहीं चाहिए। अभी भी अगर आपको दिक्कत है तो आप मेरे को अलग से बोलिएगा, मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड फ्री में करवाऊंगा। बट अब आपको क्लासेस जितना लोग कर चुके हैं उनको नहीं देखना चाहिए, उनको सिर्फ रिविजन करना चाहिए। बट जिन लोग को दिक्कत आया, जैसे कई लोग मेरे पास आए थे कि भैया मेरे को टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दिक्कत हो रहा है, तो मैंने उनको ये चीज़ अवेलेबल करवाया है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ 499 में। इसमें अगर आपको पढ़ना हो तो एनवीटीज के टॉपिक जरूर से जरूर कीजिएगा, 100% आएगा। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स का टॉपिक जरूर से कीजिएगा, 100% सवाल आएगा। और तो और कैपिटल बजटिंग के जो सवाल थे वो तो आने ही आने हैं, यानी एनपीवी एमपीवी के सवाल। भैया सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी सवाल पूछा जाएगा, बट बेसिकली ध्यान इन तीनों में देना है क्योंकि ये नए टॉपिक थे। तो ये बात आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी अवेलेबल है एड्यू दोस्त ऐप में। जिनको भी सब्सक्राइब करना हो तुरंत से तुरंत करिएगा और इसका मजा उठाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज आर सेट थ्योरी, फंक्शंस एंड रिलेशंस। देखिए फंक्शंस एंड रिलेशन इज़ अ टफ टॉपिक, बट अपने जितना अच्छे से इसको क्रीमली पढ़े हैं मेरे ख्याल से ये अब अपने आराम से कवर कर लिए होंगे। इससे रिलेटेड डोमेन एंड रेंज का एक सवाल आएगा ही आएगा, और रिलेशन का एक टाइप्स ऑफ रिलेशन जो अपने पढ़े थे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। फंक्शन का नॉर्मल क्वेश्चन आने का चांस कम है, बट अगर आता है तो सिर्फ आपको इनवर्स फंक्शन या फिर कॉम्पोजिट फंक्शन पूछ सकता है। सेट थ्योरी से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यूनियन और उसका, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी के टाइप्स में कवर हो जाएंगे। और तो और सेट थ्योरी में अपने को ध्यान रखना है कि जो भी अपना सेट फॉर्मूलास था डी मॉर्गन्स लॉ का वो, और वेन डायग्राम, प्लीज पक्का से पक्का रिवाइज करके जाइएगा, वेन डायग्राम से सवाल पक्का आना है। भैया सेट थ्योरी के बाद कौन सा चैप्टर था, उसके बाद अपने पढ़े थे दो चैप्टर जो कि बहुत डिफिकल्ट थे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। नॉन मैथ स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट किया था कि सिर्फ डिफरेंशिएशन कर लो, इंटीग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इफ़ यू हैव डन डिफरेंशिएशन, उसका ठीक उल्टा इंटीग्रेशन होता है, तो आप अगर ऑप्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ऊपर इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन को लेके अगर मेरा बात आप मानो तो आप पैरामेट्रिक इक्वेशन करके जाइएगा, यानी वो जब एक्स और वाई का टी के फॉर्म में रहता है, स्लोप ऑफ द कर्व निकालने का सवाल पक्का से करके जाइएगा, आएगा ही आएगा। यानी एक इक्वेशन दे देगा और एट अ पॉइंट मांगेगा इसका स्लोप, तो डीवाई बाई डी एक्स करना है आपको। और तो और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी करके जाइएगा। चौथा इंपॉर्टेंट अब हो गया है मैक्सिमम मिनिमा का एक सवाल, आना ही आना है, पूछेगा व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आपको पहले मैक्सिमम मिनिमा से वैल्यू निकालना होगा एक्स का, उसको पुट करके फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा वाई का। दिस फोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम डिफरेंशिएशन। पांचवा क्वेश्चन बनता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, जहां आपको मार्जिनल रेवेन्यू या फिर मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड सवाल आएगा, वो तो करके जाना ही जाना है जो अपने लास्ट में किए थे, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना, ये सब निकालना। तो डिफरेंशिएशन से 5 क्वेश्चन आने का चांस है जैसा मैंने आपको कहा। इंटीग्रेशन से अगेन 4 से 5 नंबर आने का सवाल है, तो 4 से 5 नंबर के लिए भैया डेफिनेट कितना आएगा, डेफिनेट 2 आएगा और इनडेफिनेट 2 आएगा। तो इनडेफिनेट 2 तो एकदम आसान हो जाएगा, आप डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा ऑप्शन का, ट्रायल एंड एरर से आंसर आ जाएगा। इनडेफिनेट डेफिनेट के लिए मैंने आपको 2-3 प्रॉपर्टीज करवाया है, वो पक्का से करके जाइएगा, जो मैंने क्लास में 3 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट बोला था उससे रिलेटेड ही सम्स फंसेगा। तो ये था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। दिस कंप्लीट्स 40 मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब अगर एलआर की ओर चले तो एलआर में मैं आपको बोलूँगा सब चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है।
बट लोगों को दिक्कत होता है सिलॉजम में, तो सिलॉजम का मेरा ऑडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो वो मैं सेंड कर दूंगा, 24 मिनट का ऑडियो है वो, अगर आप सुन लेंगे तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा सिलॉजम, और एक आइडिया भी लग जाएगा उसका बेसिक सवाल कैसे होता है। बाकी चार चैप्टर मेरे ख्याल से काफ़ी ईजी थे, और अपने पादुका से भी इसके सवाल बना चुके हैं, तो अपने को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी जितना लोग, अगर आपको सम्स चाहिए तो आप मेरे बुक से सम्स ले सकते हैं, स्पेसिफिकली मैंने जो जो इंपॉर्टेंट सम्स कहीं और से है वो भी डाले हैं, जो जनरली पूछे जाते हैं, सिर्फ इंस्टीट्यूट बुक करने से नहीं होगा। तो ये पांच चैप्टर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता, बट मैं इतना बोल सकता हूँ इस पांच चैप्टर में सिलॉजम जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसका मैंने ऑडियो बना के भेजा हुआ है, आप ले सकते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको कोई भी अवेल कर सकते हैं, आप बस मुझे पिन कीजिएगा, मैं आपको अवेल करवा दूंगा। मेरा नंबर 8910902944 है, आप इसमें मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको सिलॉजम का ऑडियो भेज दूंगा। भैया नेक्स्ट कौन सा करना है? नेक्स्ट चार इसके बाद आप करेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के लिए अगेन देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड इंपॉर्टेंट, इसमें थ्योरी 25 नंबर का आएगा और प्रैक्टिकल 15 नंबर का आएगा 40 में। प्रैक्टिकल जनरली प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन रिग्रेशन, और आपको देखने को मिलेगा पहले वाले दो चैप्टर से, यानी कि क्या भैया, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, बाकी से जनरली थ्योरी रहेगा 25 नंबर में, जैसे कि इंडेक्स नंबर हो गया और आपका ये टाइम सीरीज हो गया अलाना फलाना। तो बेसिकली अपने को ये सब चैप्टर्स कवर करने हैं, और इन सब चैप्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट एज सच नहीं बताऊंगा, बट मैं बता दूं जितना क्लास में किया गया जस्ट रिवाइज देम, सम्स कम प्रैक्टिस करो, थ्योरी ज़्यादा पढ़ो इसका, और तो और स्कैनर का 4-5 टर्म करके चले जाओ, मोर देन इनफ। मेरा गारंटी है अगर आप इतना रिवाइज करेंगे 10 दिन में तो आपको कहीं ना कहीं 60-65 आ जाएगा, अगर आप वीक है मैथ्स में तो भी। अगर आप मैथ्स में थोड़े से स्ट्रांग है, आपका बेस बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आपका 75-80 कहीं नहीं है। अब बात आता है जिनको 90 के ऊपर लेके जाना है, उनको तो एकदम रिगरस मैथ्स का प्रैक्टिस हो चुका होगा, क्योंकि 90 के ऊपर लाने के लिए अब कोई तरीका बचा नहीं है। अब मैं आपको बचा सकता हूँ कि आप इस लैब में तो गिर जाए, जिनको डर लग रहा है 40 से नीचे आएगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ 60 के ऊपर तो आएगा ही आएगा। भैया पेपर कैसे आने वाला है अगर आप ये बता सको तो, मेरा बात मानो तो नवंबर टर्म जनरली इजी रहता है जैसा कि आप जानते हैं, बट यस दिस टाइम अगेन पेपर विल बी अ बिट स्टैंडर्ड, नेवर द लेस 60 मार्क्स विल बी इजी एंड 20 मार्क्स विल बी स्टैंडर्ड एंड अ बिट 20 मार्क्स विल बी डिफिकल्ट। तो भैया वो डिफिकल्ट कहाँ से रहेगा 20 मार्क्स, ये अभी तक पता नहीं, बट यस दिस 80 मार्क्स विल बी अ बिट स्कोरी। तो आप यहाँ पे ही कोशिश कीजिएगा कि आप 55 ले आ रहे हैं, बाकी का आप जो 5-7 मार्क्स या 10 नंबर है वो यहाँ से स्कोर कर लीजिएगा। भैया 85 तो लाना है, 40 ही तो लाना है, 40 तो सोचिएगा ही मत, मैं गारंटी देता हूँ 55 से 60 कहीं नहीं है। अब ये प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करना है और दिन रात पढ़ना है, जैसे मैंने आपको कहा रिसोर्सेज भी बता दिया, टाइम भी बता दिया और चैप्टर्स भी बता दिया क्या क्या पढ़ना है। एग्जाम वाले दिन प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, LR तो पढ़े ही नहीं, अब बहुत हो गया, LR का कुछ पढ़ के जाने का दरकार नहीं है। मैथ्स और स्टेट्स का रिवीजन करें, कम से कम नेगेटिव लोगों से बात करें ताकि आप पे वो प्रेशर नहीं आए कि यार ये किया क्या, वो किया क्या, हलाना फलाना। आप लॉ का एग्ज़ाम दे के आए, एक घंटा रेस्ट कीजिए, खाना पीना कीजिए, फिर सोइए और रात भर मैथ्स कीजिए। मैथ्स करने में म्यूज़िक के साथ कीजिए, कोई दोस्त से बात मत कीजिए, फ्लाइट मोड में लगाइए फ़ोन, वाईफाई ऑन कीजिए और कान में savan.com चालू करके गाना सुनना स्टार्ट कर दीजिए। अब गाना सुनते सुनते तो आप पढ़ाई कर लेंगे, बट सुबह जब उठेंगे मम्मी झाड़ेगी कि ये क्या किया, तो आप चुपचाप उनको बोलना मम्मी मैं पढ़ ही रहा था, आप चिंता मत कीजिए। अब अपने लोग को पूरा का पूरा रिवाइज करके लास्ट मोमेंट पे दो टेस्ट देने चाहिए। भैया अब टेस्ट देने चाहिए? हाँ, आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप वो दो घंटा में कैसे वो पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो। भैया कैसे दें वो दो घंटा का टेस्ट? एक आप देंगे एग्ज़ाम वाले दिन ठीक सुबह, यानी कि अगर आपका 2 से एग्ज़ाम है, आप ट्राई करेंगे कि आप 9 से 11 बैठ के चुपचाप 2 घंटा का एक फटाफट एक टेस्ट दे रहे हो खुद,
और दूसरा एग्जाम से सीख एक दिन पहले। भैया वो टेस्ट पेपर क्या होगा, जय मैंने एक टेस्ट पेपर आपको दिया है वो वापस से प्रैक्टिस कीजिएगा। भैया वापस से करेंगे तो याद ही होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, फिर भी आप कई चीज़ भूलेंगे तो उसको बनाइएगा। और एक आपको कहीं ना कहीं गूगल में मिल जाएगा, या अभी तक आपको कई इंस्टीट्यूट्स अपना साइट में डालते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके एक पेपर कीजिएगा। भैया हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो भी एक और बार कीजिएगा, दिस विल क्रिएट अ प्रेशर पॉइंट और आप एग्जाम वाले टाइम पे 2 घंटा यूटिलाइज कर पाएंगे। मैं इस वीडियो को यहीं बंद कर रहा हूँ, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने लोग कैसे पढ़ेंगे, कि 2 घंटा का वो एग्जाम टाइम में कैसे तुक्का मार सकते हैं, कैसे अपने लोग उसको ठीक से यूज कर सकते हैं कि अपने अच्छे से नंबर ले पे आए। तो मैं आपको यहाँ पे अलविदा कहूँगा, बट मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो ही, यानी कि अगर आप इस वीडियो को देखें आप मुझे बताइए कि आपको क्या वो वीडियो का दरकार है। अगर मेरे पास कमेंट्स में या फिर आप मेरे को बताएंगे मेरे नंबर पे, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो 2 घंटे में आपको कैसे मैथ्स को सॉल्व करना है। ओके गाइज, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।